हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके से क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन में आप करें। ठीक है, वीडियो को ऐसा हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप हो और एंडिंग हो चुकी हो, आप लोग किसी एंडिंग से गुजर रहे हो, और कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस टू कांटेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है तो कलेक्टिव के लिए होती है, ओपन माइंड होकर देखा करें। चले, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ऐसे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें। देखते हैं आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, आप किस तरीके से एक्ट करें, कैसे अप्रोच करें, और हम देखेंगे चैलेंज क्या आ रहा है आपके कनेक्शन में। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप इस कनेक्शन में किस तरीके से एक्ट करें, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस, आपके पर्सन का माइंड क्या कह रहा है इस कनेक्शन को लेकर, मतलब कि आपकी क्या एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, चलो प्लीज साइलेंस नाउ स्पीक गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन क्या चाह रहे हैं आप से। वेट, एक्स्ट्रा कार्ड ही, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, आप कैसे एक्ट करें। भाई आप काफी ज्यादा लॉजिकल हुए हुए हैं, जब से आप लॉजिकल हुए हैं आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया है। आपके पर्सन चाह रहे हैं आप वापस एक इमोशनल अपना, जैसे आप मेल है या फीमेल है, आप अब तक इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं, नर्चर करते हैं, तो आप उसी चीज में ऑपरेट करें। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जब से आप सोचने लगे, आप जैसे आप बहुत आपका थॉट प्रोसेस, आप बहुत दिमाग से इस रिश्ते को लेकर मत चले। ये पर्सन नहीं चाहता आप यहाँ पर हद से ज्यादा सोचे इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी सोचों को एंड करें, जो अननेसेसरी थॉट्स हैं आपके इस पर्सन को लेकर, जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप उनको ख़त्म करें और इस रिश्ते में आप इमोशनली एक्ट करें। ये पर्सन चाहता है कि आप एक इमोशनल तरीके से, आपने हमेशा से इस कनेक्शन को इमोशनली तरीके से चलाया है, मतलब कि इस पर्सन को पता है आपके इमोशंस थे तो ये रिश्ता चल रहा था। आप जब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कोल्ड हो गए, या तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए हैं, जब से आपने यहाँ पर अपने माइंड का यूज़ करना शुरू करा है, दिमाग का इस्तेमाल करा है आपने जब से इस रिश्ते में, उस वक्त से आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। ये पर्सन चाहता है आप इमोशनली डील करें, बहुत ज़्यादा मत सोचें, अपनी अननेसेसरी सोचों को ख़त्म करें इस रिश्ते में से। ठीक है, ये पर्सन आपसे ये चाह रहा है आप अननेसेसरी अपने थॉट प्रोसेस को एंड कर दें इस कनेक्शन से। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट रख रहे हैं, मतलब कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपने पास में भी जज करा इस कनेक्शन को, एक जजमेंटल एनर्जी की वजह से आपके रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ख़राब हो रहा है। आप लोग के बीच जो एंडिंग आई है, ये आपको इस अपना जजमेंटल माइंड को ख़त्म करना पड़ेगा, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को एंड करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे व्यूवर के पर्सन से उनके पर्सन क्या चाह रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर के पर्सन से उनके पर्सन क्या चाह रहे हैं। आपके पार्टनर चाह रहे हैं आप मैनिफेस्ट करें इस कनेक्शन को। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें, ये बर्डन सम सिचुएशन से आप बाहर आए, आप यहाँ पर बर्डन सम सिचुएशन से इस कनेक्शन से बाहर निकला जाए, मतलब कि यहाँ पर जो एंडिंग हो गई है, जो भी चीज़ें हैं उनको हमें लेट गो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप एक्शन नहीं दे रहे, पहले पास आप बस यहाँ पर इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप जैसे अब एक्शन लेना भी नहीं चाह रहे। ये पर्सन चाह रहा है कि आप एक्शन लें, इस टावर मोमेंट के बाद आप कोई भी डिसीजन मेकिंग ऐसे ही नहीं कर पा रहे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, पास में आपने पर्सन से इमोशनल होते थे बहुत ज़्यादा, आपका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव हो चुका है, आप इसलिए अपने पर्सन से कोई अपने पर्सन को अप्रोच नहीं कर पा रहे, कुछ कोई एक्ट नहीं कर पा रहे, इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन पास में आप बहुत ज़्यादा रश करते थे, कोई भी मसला होता था आप थोड़ी देर आप लोग की लड़ाई चलती थी फिर आप अपने पर्सन को कॉन्टैक्ट कर लिया करते थे। ये पर्सन चाह रहा है इमोशनली आप इसको कॉन्टैक्ट करें, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस को रिलीज करें और मैनिफेस्ट करें, इस बर्डन सम एनर्जी से बाहर आएं। और जो ये अब आप मतलब कि अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन देख रहे हैं, आपके अंदर ईगो देख रहा है, अब है या नहीं है आप अपने राइट पे होंगे, लेकिन ये पर्सन देख रहा है इस टावर मोमेंट के बाद आपके अंदर ईगो आ चुका है, बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल आपकी एनर्जी जा चुकी है, जब से आपने अपने माइंड का इस्तेमाल करा, जब से आपने अपने बहुत आप लॉजिकल वे में इस कनेक्शन को लेने लग गए, उसके बाद से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो चुके हैं। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन की तरफ रश करें, मतलब कि इस पर्सन की तरफ आए। ठीक है,
इस पर्सन की तरफ आए, यहाँ पर डिफेंसिव रह के खड़े रहने से इस कनेक्शन में कुछ नहीं होने वाला। ये पर्सन कहना चाह रहा है यहाँ पे स्टॉकिंग करने से, डिफेंसिव रहने से इस कनेक्शन में कुछ नहीं होने वाला। आप इस पर्सन की तरफ मतलब कि वन टू वन बात करने के लिए इस पर्सन को अप्रोच करें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इस फियर से बाहर निकले। एक फियरफुल एनर्जी है जिसने आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर दिया। आप सोच रहे हैं लेकिन आप यहाँ से इस फियरफुल सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपकी एनर्जी में एक फियर नजर आ रहा है इस पर्सन को, आप फियरफुल एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप सिर्फ मतलब कि आप इस पर्सन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आप इस पर्सन से कनेक्ट, आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप जैसे आपने जो अपने दिल दिमाग में अननेसेसरी से जो फियर पाल लिए हैं, जो आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ स्टॉक करते हैं, ना एक्शन लेते हैं ना कुछ करते हैं। ठीक है, इस पर्सन को पता है कहीं ना कहीं आप स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन अब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तभी आप ओपन अप नहीं हो रहे। पर्सन चाह रहा है आप ओपन अप हो, कम्युनिकेशन पे आए, इमोशनल कम्युनिकेशन पे आए, इतना थॉट प्रोसेस को अपना अपना जो ओवर थिंकिंग को रिलीज करें। आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसको रिलीज करें। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं इस ड्रामे के बाद, इस एंडिंग के बाद। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि यहाँ पर आप चाहे आपको किसी ने कुछ बोला है, चाहे आप किसी की बातों में आए, लेकिन आपने इस रिश्ते को जिस तरीके से ये पर्सन देखता था, आप इस रिश्ते को चलाते हैं। आप बिल्कुल ही जैसे एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस कनेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ऐसा एक्ट आपने कभी भी नहीं करा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने ईगो सेल्फ से डील करते हैं। ये पर्सन को पता है कि आप भी यहाँ पर खुश नहीं है इस रिलेशनशिप से दूर होकर, ना ये पर्सन खुश है। तो ये पर्सन चाहता है कि आप लोग को टीम वर्क करना चाहिए इस स्लीपलेस नाइट से, इस यहाँ पर इस कंफ्यूजन से, यहाँ पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग को बाहर निकलना चाहिए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर चेंज हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पर आप यहाँ पर इस रिश्ते का लक चेंज हो सकता है। आप मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकले। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी ने आपको ऐसा कुछ बोला है, आप मेंटली ब्लॉकेजेस में आ चुके हैं। आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अब आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते। ठीक है, मतलब कि आप पास में इसी रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप मतलब कि कोई स्ट्रगल मतलब कोई एक्ट नहीं कर रहे, इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे, इस रिश्ते में आप मेहनत नहीं कर रहे। ठीक है, ये पर्सन ये देख पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए, अपने माइंड में आपने इस रिश्ते को लेकर ब्लॉकेजेस बना लिए। ठीक है, ये आपके माइंड की ब्लॉकेजेस हैं। ये पर्सन आपको कहना चाह रहा है कि आपकी दिमाग की ब्लॉकेजेस हैं। आपने बिल्कुल ही आप जैसे आपके अंदर एक 360 डिग्री का चेंज देख पा रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन। इस चेंज को देखकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है। इस पर्सन की स्लीपलेस नाइट है। पास्ट में आपने ज़रूर स्लीपलेस नाइट से आप गुजरे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन सोच रहा है कि आप परेशान होते भी हैं या नहीं अब इस रिश्ते के लिए, आपका ध्यान अब है कि नहीं इस कनेक्शन पे, क्योंकि मेंटली ब्लॉकेज जैसे इस पर्सन को नहीं पता आपके अंदर इतना बड़ा चेंज, क्या चीज़ क्या ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो आपने इस रिश्ते से बिल्कुल मुंह फेर लिया है। इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है आपके अंदर? ठीक है, ये पर्सन चाहता क्या है आपसे? आप स्ट्रक रहे इस कनेक्शन पे, स्ट्रक रहे, आप आगे ना बढ़े। ये पर्सन नहीं चाहता स्ट्रक रहे, आप चाहते हैं आप इस पर्सन के ऊपर स्ट्रक रहे, इसको टेक्स्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें, आप कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर कुछ एफर्ट करें। जजमेंट, यहाँ पर आप एक जजमेंटल माइंड से निकले और सेकंड चांस की तरफ इस रिलेशनशिप में अप्रोच करें। मतलब कि यहाँ पर अभी भी ये पर्सन समझता है यहाँ पर अभी भी क्या है बाकी है, मतलब कि अभी भी यहाँ पर कुछ है जो यहाँ पर आप लोगों के साथ हो सकता है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास इर्द गिर्द में चॉइसेस हैं। ठीक है, लेकिन आप फिर भी अभी भी जैसे आप किसी चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे। आप इस पर्सन के लिए अब जजमेंटल हो चुके हैं। आपके पास 3 कप्स हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लो हैं। ये पर्सन सोच रहा है किस मुंह से आपको ये ऑफर दे। अभी आप कुछ भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल माइंड से इस कनेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जैसे देख पा रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन खुद भी एक जजमेंटल हुआ हुआ है, आपको भी जजमेंटल माइंड से देख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ फीलिंग्स फील कर रहा है, इमोशंस रख रहा है, अनकंडीशनली लव फील कर रहा है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ से एक्ट करने का वेट कर रहा है। जितना आपने यहाँ पर एक्ट करा क्या वो काफ़ी नहीं था? ये इमोशंस होल्ड करा हुआ है आपके डिस्टेंस से, आपके रिलेशनशिप में आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रहा है। इस पर्सन को ये समझना चाहिए अगर आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे तो ये पर्सन तो एक्शन ले सकता है। एवरीथिंग इज एंड, यहाँ पर जैसे एक बड़ी एंडिंग है, इसके बाद दोनों कुछ कर नहीं पा रहे, इस रिश्ते में कोई एक्ट नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये भी अब बहुत ज्यादा जैसे ये पर्सन भी कोई एक्ट नहीं कर पा रहा। बहुत ज्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके अंदर विजडम है, बहुत आप विजडम होल्ड करते हैं अपने अंदर, आपको बहुत ज्यादा एजुकेटेड समझते हैं। एजुकेटेड नहीं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बहुत ज्यादा छोटी उम्र में होने के बावजूद बहुत ज्यादा मेच्योरली एक्ट करते हैं। इस साइकिल को ये पर्सन समझ रहा है कि एंड हो चुकी है आपकी तरफ से, आप अपनी जिंदगी में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो नॉलेज है वो आपको हील करने का कह रहा है।
ये पर्सन आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आपका इसलिए थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में अपने लिए लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है नाइन ऑफ पैंटिकल, नाइन ऑफ पैंटिकल के साथ ये पर्सन देख रहा है आप सिंगल हैं, अपने पैंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इसको पता है, ये पर्सन भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस में स्ट्रक है, फाइनेंसिस को बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर फोकस है, तो ये पर्सन भी अपने ऊपर फोकस है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। ये पर्सन मिसिंग एनर्जी में आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन ये चाहता है ये साइकिल एंड ना हो, ये साइकिल यहीं से कंटिन्यू हो, चाहे फेस चेंज हो जाए, ये नेगेटिव फेस खत्म हो जाए, लेकिन ये साइकिल एंड ना हो, आप लोग के बीच एक एंडिंग, एक बहुत एक हार्ड कोर एंडिंग ना, यहाँ पे एक नेगेटिविटी नहीं देखना चाह रहा, ये पर्सन चाह रहा है ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो, ठीक है। बिल्कुल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हैं आप, डिटैच हैं आप, जो आपने सोच लिया समझ लिया आप उसी को ट्रुथ समझ रहे हैं, आप उस बहुत ज़्यादा रिजिड हुए हैं, आप उसी चीज़ को एक सच समझे जा रहे हैं, आपने जो देख लिया आप उसी को सच समझ रहे हैं, उसी उस सच्चाई से आप आगे चलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं अपने पार्टनर से? चले, मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से? मेरे व्यूवर की क्या चाहते हैं? हमने इनके पर्सन की तो देखी, इनके पर्सन का थॉट प्रोसेस भी देखा, आपके लिए क्या चल रहा है? आप चाह रहे हैं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, ट्रांसफॉर्म हो इस रिश्ते में, एक ये होल्ड बैक करना खत्म कर दे इस रिश्ते के लिए, ये मैनिपुलेटिव एनर्जी को ख़त्म कर दे, ट्रांसफॉर्म हो, वल्नरेबल फील करवाए आपको, अपनी एक्सप्रेशन बताइए आपको क्या फील करता है, क्या दिल में इसके लिए आपके लिए चाहत रखता है। आप चाहते हैं ये पर्सन जो वॉक अवे करके गया है कि वापस आए आपकी ज़िंदगी में, वापस ये यू टर्न ले आपकी तरफ आई, आपकी तरफ रश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप भी एक्ट नहीं कर रहे, वो भी एक्ट नहीं कर रहे, वो भी चाह रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ आएँ, आप चाहते हैं ये अब इस अननेसेसरी ड्रामे से आपको निकालें, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, आपको क्लैरिटी दे, ये ब्लॉकिंग सिचुएशन ख़त्म हो, आप लोग के बीच ये ब्लॉकिंग सिचुएशन है, एक ड्रामा है, बार बार ये पर्सन ब्लॉक कर देता है, आप एक इस ये आप ये चाह रहे हैं कि ये रिश्ता इस पर्सन को चाहिए कि फीलिंग ऑफ लॉस से निकाले, आपको ऐसा लगता है जितना भी आपका इमोशनली लॉस हुआ वो उस पर्सन की वजह से हुआ है, ये रिस्क टेकिंग करे, न्यू बिगनिंग करे, आपकी तरफ रिस्क ले, आपकी तरफ एक्शन ले, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि ये जो आपने फील करा इमोशनल लॉस, लेफ्ट इन द कोल्ड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, ब्लॉकिंग सिचुएशन, ये सब आप स्ट्रेस आज तक फील करते आए, ठीक है, आप इस सब आज तक आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन यहाँ पर विश फुलफिलमेंट कम ट्रू करे, मतलब कि विश अपनी विशेष को कम ट्रू करे, आपके साथ जो भी इस पर्सन की एनर्जी है, आप यहाँ पर एक अच्छी फैमिली देखना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने पावर में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने पावर में, आप यहाँ पर पावर में बैठे रहना चाहते हैं, कोई ज़्यादा एक्ट नहीं करना चाहते इस पर्सन की तरफ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब आपने जितना करना था इस रिश्ते में कर दिया, अब आप कंफ्यूज हैं, आप इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं, आपकी खुद की अपनी ज़ाती एनर्जी ऐसी, आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ इल्यूजन में हैं, एटलीस्ट आपके इल्यूजन तो क्लियर हो, आप टेक्स्ट मैसेज आप बात करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, आपको चाहिए टेन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, यहाँ पर आपको इज्जत, हर चीज़ चाहिए, वेट कर रहे हैं आप इस अपनी इस कन्फ्यूजन के ख़त्म होने का, इस पर्सन के कोई एक्ट करने का, इस पर्सन के कोई एक्शन लेने का आपकी तरफ, ठीक है। दोनों ही आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, दोनों ही आप लोग एक दूसरे के साथ बेहद कनेक्टेड हैं, आप दोनों ही इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी को चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप दोनों इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोनों ही ऑब्सेसिव एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक हैं, दोनों ही ऑब्सेसिव एनर्जी में, दोनों ही चाहते हैं ये रिश्ता दोबारा कनेक्ट हो, ये खत्म ना हो, चाहे यहाँ पर एक साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाए, ना आप खत्म करना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ साइकिल, ना आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन आप ज़रूर ये चाह रहे हैं कि जितना भी मैस इस पर्सन ने फैलाया है, जितना भी रायता फैलाया है, ये क्लियर करे, इसको ये साफ करे, इस ड्रामे को ख़त्म करे, अब ये इमोशनली आपको मतलब कि आपको एक सेटिस्फेक्शन दे, आप इमोशनली बेहद परेशान है इस पर्सन की वजह से, ठीक है, आप इमोशनली सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, आप इमोशनली यहाँ पर चाह रहे हैं पर्सन वल्नरेबल फील करे, आपको यहाँ पर आपके अपने होने का एहसास दिलाए, आप किसी परेशानी में हो तो ये आपके साथ खड़ा हो, आपको ये फील होता है आप किसी भी ज़िंदगी के स्टॉप पे हैं, किसी भी परेशानी में हैं, आपको किसी की ज़रूरत है, ये पर्सन कभी भी आपके साथ नहीं देता, ना आपके साथ खड़ा हुआ होता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है। आइसोलेशन, यूनिवर्स कह रहा है आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लें, आइसोलेशन में रहें, आप खुद के साथ कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, खुद को टाइम दें, ठीक है। एनलाइटमेंट, आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट हो रही है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर कट हो रहे हैं, आप यहाँ पर लाइट को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा विजडम में हैं, आपको यहाँ पर आइसोलेशन में रहना है, कंप्लेसेंसी, ठीक है, यहाँ पर आपको अकेलापन फील हो रहा है, इस पर्सन को आपसे कहीं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पैशन, आपके अंदर कोई पैशन है, आप उसको फॉलो करें, आपकी लाइफ में दोबारा एक पैशनेटिव एनर्जी में है। इम्पैस,
यहाँ पे बैलेंस आने की बहुत ज्यादा नीड है आपके अंदर, अपनी जात के अंदर, अपने सेल्फ में बैलेंस लाएं, परसेप्शन। आप यहाँ पर रिश्तों को देखने का परसेप्शन, अपना नजरिया बदलें, ठीक है। ऑब्सेसिव होकर रिश्ते नहीं निभाए जाते। मुझे आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऑब्सेसिव एनर्जी नजर आ रही। ग्रोथ, रिकवरी, इस रिश्ते की रिकवरी जरूर होगी, लेकिन आप खुद के अंदर बैलेंस लाएं। आपके अंदर बैलेंस नहीं है, आप बहुत ऑब्सेसिव हैं अभी भी इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि मैंने लास्ट में डेवल देखा था। आपको चाहिए कि खुद के अंदर बैलेंस लाना, ठीक है। यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए है। गॉसिप्स, किसी से बात करने से गुरेज करें इस रिश्ते के बारे में, जरा साइलेंट रहें, ठीक है। ये पर्सन इनसिक्योर है, अभी इनसिक्योरिटी आई हुई इस पर्सन के अंदर, ठीक है। परफेक्शन, देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इस पर्सन को भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझना चाहिए। ये पर्सन इनसिक्योर है थोड़ा सा, आप लोग की यहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया। आपने कुछ ना कुछ अल्फाजों की ऐसी रद्दबदल करी है, ये पर्सन आपको लेकर जजमेंटल हुआ हुआ है, थोड़ा सा इनसिक्योर हुआ हुआ है। ये चाह रहा है कि आप अपनी तरफ से आएँ तो इसकी रिस्पेक्ट बच जाएगी, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए, इस पर्सन को इंसल्ट का एहसास हुआ, थोड़ा सा इनसिक्योर है। लेकिन परफेक्शन नहीं हो सकती किसी, अगर आप बात कर रहे हैं तो आप गुरेज करें किसी से बात करने के लिए, वरना आपके पार्टनर किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपके रिश्ते के बारे में गॉसिप्स हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द वाले बात कर रहे हैं, जो जानता है वो बात कर रहा है इस रिश्ते के बारे में। मतलब कि आप पहले तो बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, अब आपने इस तरीके से बिहेव करा, अगर आपने अपना बिहेवियर किसी को बताया है तो इस पर्सन के साथ, या तो जो कुछ भी हुआ है आपके रिश्ते में कि आप लोग यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी उगल रहे हैं इस पर्सन के बारे में, या तो किसी ने आपके मुंह से कुछ सुना है, कोई गॉसिप्स कर रहा है आपके रिश्ते के बारे में। लेकिन परफेक्शन, देखें परफेक्शन कुछ भी नहीं हो सकती, इतनी परफेक्शन नहीं आ सकती, लेकिन ये पर्सन इनसिक्योर है, अभी मुझे इनसिक्योर नजर आ रहा है। देखिए इस पर्सन के लिए भी एडवाइसेस को बैलेंस लाना चाहिए इस कनेक्शन के अंदर और अपने अंदर। कुछ रिलीज करना जरूरी है, अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में आ रही है, अपने कैरियर फाइनेंसेस को आप एक साथ आके बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें। ये यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है, ना आपकी मर्जी से हुआ है, ना आपके पार्टनर की मर्जी से हुआ है, यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है, ठीक है। मैं श्रेणी को यहीं तक रखती हूँ, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।